शीला जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ शीला जी। सबसे पहले यह भी सवाल उठता है जो कि पारंपरिक है कि इस जीत का श्रेय किसे देंगे? कांग्रेस पार्टी को जाएगा और कांग्रेस की सरकार को, जिसने 10 साल काम किया, ईमानदारी से किया, दिल्ली की शक्ल को बदला, दिल्ली को एक ऐसी शिखा पर पहुंचाया कि जो आज ये इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास सिटी माना जाता है, और इस उम्मीद से दिया कि आने वाले 5 बरस में और भी तरक्की होगी, और भी दिल्ली आगे बढ़ेगी और भी लोगों का जीवन खुशहाल होगा और 2010 के गेम्स सुचारू रूप से चलेंगे। सवाल यह भी उठेगा कि जो भी प्राथमिकताएं हैं उसमें सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी, और जनता यह भी चाहेगी कि उसने आप पर फिर एक बार इतना बड़े मतों के साथ विश्वास व्यक्त किया है, तो उसके लिए आप क्या सोच रही हैं, क्या करेंगे? देखिए, हमारा काम जो जारी है वो तो जारी रहेगा ही। जैसे मैंने कहा, 2010 के गेम्स को संपन्न करना है, उसमें काम तेज़ी से और बड़ी विधिवत तरीके से करना होगा। ये तो हमारी मेन प्राथमिकता है। इसके अलावा कुछ और छोटा काम है जो और आवश्यकता जनहित में होगी, वो भी करेंगे। राष्ट्रीय कद भी आपका काफ़ी बढ़ा है। निश्चित तौर पे पहली बार कांग्रेस के इतिहास में कहें तो तीसरी बार आप मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की, तो आप राष्ट्रीय नेता के तौर पे भी अपना पॉलिटिकल पारी खेलना चाहेंगी या दिल्ली में ही? देखिए, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई हूँ, ये मेरा काम है, तो मेरा पहला कर्तव्य यही है। बाकी पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। विपक्ष को क्या कहेंगी, जिस तरह की बातें हुई कि महंगी पड़ी कांग्रेस और तमाम तरह की बातें हुई? यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि मुंबई में जिस तरह का हादसा हुआ तो ओवरनाइट उसका भी इम्पैक्ट होगा, तमाम तरह की बातें रहीं। नहीं नहीं नहीं, देखिए, बीजेपी कह रही थी महंगी पड़ेगी कांग्रेस, हम कहते हैं उनको कांग्रेस बीजेपी को वाकई में महंगी पड़ी। एक और बात जानना चाहूँगा आपसे, जो तमाम आपके आकलन रहे, सर्वे रहे, आप भी टोटल टीवी का सर्वे से तमाम फीडबैक लेती रहीं, 41 सीट्स हमने पहले भी दिए थे, उसके बाद भी 36 आउट ऑफ 67 हमने दिए, और कहीं ना कहीं जनता से वोटिंग करा के पहली बार देश में कहीं ना कहीं किसी चैनल ने किया, तो यह एक नया ट्रेंड है, एक नया सर्वे है, इसके बारे में आपका? इसको मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि इसने हमें एक अपने में विश्वास, कॉन्फिडेंस दिया कि जो हम सोच रहे हैं वो कोई और भी सोच रहा है। इसलिए जो आपने सच्चाई से किया, मैं उसके लिए बहुत मुबारक दी। आपसे यह जानना चाहेंगे कि ये पूरे माहौल में कब तक सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल की चीजें? 4 दिन में, 5-4 रोज में कर देंगे। तो 2-4-5 दिनों में दिल्ली की नई सरकार शीला जी के नेतृत्व में होगी, जैसा कि खुद इनका विश्वास है, हैट्रिक लगाते हुए दिल्ली के सामने होगी और देश दुनिया के भी सामने होगी। कैमरामैन विद्याधर के साथ मधुरेंद्र कुमार, टोटल टीवी, दिल्ली।